और सर अच्छे हैं। छपरा डीटीओ के दो घरों पर निगरानी विभाग का छापा, घर में छुपा रखे थे सोने की बिस्किट और नोटों के बंडल। छपरा के जिला परिवहन पदाधिकारियों के आवास पर आज निगरानी ब्यूरो की छापेमारी हुई। निगरानी विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में छपरा डीटीओ रजनीश लाल के पटना आवास मुजफ्फरपुर आवास पर छापेमारी की है। पटना के कंकड़बाग स्थित आवास से अब तक की छापेमारी में निगरानी विभाग ने तकरीबन 50 लाख रुपए कैश सहित बड़ी मात्रा में सोने चांदी के बिस्किट भी बरामद किया गया है। विजिलेंस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस टीम को उनके कंकड़बाग स्थित आवास से 50 लाख रुपए कैश और सोने के बिस्किट सहित कई कीमती सामान मिले हैं। विजिलेंस को कहा वहाँ एक पिस्तल भी मिली है। विजिलेंस की एक टीम मुजफ्फरपुर के MIT स्थित किराए के मकान में रह रहे डीटीओ के घर पर भी पहुंची। वहां भी छापेमारी में टीम को लाखों नकदी मिलने की बात सामने आई है। इसके अलावा कई तरह के जमीन के कागजात भी विजिलेंस को मिले हैं। विजिलेंस अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक रूप से इस छापेमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अधिकारियों के ओर से सिर्फ इतना ही बताया गया है कि पटना समेत कई जगहों पर कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि रजनीश लाल के पास मुजफ्फरपुर डीटीओ के अलावा छपरा डीटीओ का भी चार्ज है। दो दो जगह तैनात डीटीओ के ठिकानों ने अब इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और अन्य कीमती सामानों की बरामदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विजिलेंस टीम इस मामले के विभिन्न पहलुओं को खंगालने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे HTV बिहार न्यूज के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से